फ्री फायर तो आएगा ही नहीं, और ऐप स्टोर में सर्च करोगे फ्री फायर तो फ्री फायर आएगा ही नहीं, बल्कि प्ले स्टोर में आपको फ्री फायर मैक्स देखने मिल जाएगा, बट फ्री फायर प्ले स्टोर से गायब हो चुका है। प्ले स्टोर से गायब कुछ समय पहले हुआ है, सुबह के टाइम पे ही ऐप स्टोर से, मतलब जो एप्पल का मोबाइल होता है उसमें से गायब हुआ था, ऐप स्टोर कहते हैं उसको। और एक चीज सुबह से आज के मतलब आज सुबह से काफी सारे बंदे एक चीज फेस कर रहे हैं कि उनका जो गेम है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, पुअर नेटवर्क दिखा रहा है, नेटवर्क एरर दिखा रहा है, बार बार कुछ इस टाइप का उनके गेम में आ रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ पर्सन? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, काफी सारे लोग ऐसा हुआ है गेम ओपन ही नहीं हो रहा है। और भाई सुबह से लेकर अभी तक मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा ही खतरनाक न्यूज निकली है गाइस, तो यार इसी बात पे अभी वीडियो को पूरा देखो और आगे मैं क्या बोलूं। उससे पहले आप लोग ये वाला क्लिप देख लो। एयरटेल में आपका स्वागत है, प्रीपेड सेवाओं के लिए एक दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं सरकार के निर्देशानुसार काफी एप्स ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसके कारण अब आप ये एप्स डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। असुविधा के लिए हमें खेद है। गाइस क्या आपने यहाँ पे एक चीज सुना? सरकार के द्वारा काफी सारे ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है, इसमें हमारा शायद फ्री फायर भी आ चुका है शायद। मैं बताता हूँ ऐसा आके मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लॉक कर दिया गया है। आपके पास एयरटेल सिम है तो आप लोग ये वाले प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, आप लोग के एयरटेल सिम में ये चीज पता चल जाएगा। चलो एयरटेल वालों के लिए ठीक है, मैं एक और आपको वीडियो क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ। फ्री फायर गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है, वो काम नहीं कर रहा है। कब तक चालू सर, कुछ आपको पता? आपको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब वो काम नहीं करेगा सर। कभी नहीं काम करेगा सर। जियो के सिम क्यों चल रहा है? अगर देखिए आज ही बैन करा रहे प्रोसेसिंग में, अगर कुछ जगह चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा सर। ओ सर, तो सर कोई बैन नहीं है इसका? नहीं सर, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। कुछ भी आप सोचो, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई डोंट नो कितना सच है और कितना नहीं, क्योंकि एयरटेल में अगर हम वन नाइन नेटवर्क कॉल कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स को बैन कर दिया है, मतलब ब्लॉक कर दिया गया है। एंड यहाँ पे भी कस्टमर सर्विस में सेम ये चीज़ बताई गई है, और एयरटेल सिम से ही चीज़ें चालू नहीं हो रही है। अगर आप लोगों को नहीं पता था, बता दूँ एयरटेल सिम से ही हमारा जो गेम है स्टार्ट नहीं हो रहा है। मेरा पास एयरटेल का वाईफाई है तो एयरटेल के वाईफाई से हो रहा है, जियो के सिम से हो रहा है, लेकिन अपना जो गेम है वो एयरटेल सिम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एयरटेल सिम से नेटवर्क एरर दिखा रहा है। चलो ये चीज हो गई एक साइड की, चलो आपको एक और चीज दिखाता हूं। यहां पे आप ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, यहां पे अगर हम गूगल से ये चीज पूछे ना, गूगल अपने वो क्या आंसर देता है? गूगल ये बता रहा है कि गरेना फ्री फायर मैक्स अवेलेबल है, लेकिन गरेना फ्री फायर नहीं है। अपने को ये आंसर दे रहा है कि जो गरेना फ्री फायर है गेम सर्वर अभी तक रेडी नहीं है, कुछ है टेक्निकल ग्लिच या फिर इशू हो गया, गूगल ऐसा बता रहा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, ऐसा अपने खुद गूगल आंसर दे रहा है। तो ये हो सकता है कि एक टेक्निकल इश्यू की वजह से रिमूव हो गया हो, टेक्निकल ग्लिच चल रहा हो, ये वजह से रिमूव हो सकता है। एंड मैंने यहाँ पे गरेना फ्री फायर के मॉडरेटर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ये कोई ग्लिच है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं, कोई मतलब कह सकते हो ना कि बैन या ब्लॉक वाला कोई ऐसा सीन नहीं है, मॉडरेटर ने हमको ऐसा बताया। काफी सारे बड़े सोच रहे हैं भाई ऐसा कैसा ग्लिच होता है, ऐसा कैसा भाई होता है, भाई कुछ भी नहीं, तुम बकवास कर रहे हो, तुम कुछ भी बातें कर रहे हो। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, आज से कुछ महीने पहले पेटीएम का भी सेम यही सीन हुआ था, पेटीएम को ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो। बाद में दो दिन बाद पेटीएम फिर से वापस आ गया ना, तो वैसे ही कुछ ग्लिच हो गया अपने फ्री फायर के साथ। देखो भाई अगर सच में ब्लॉक हुआ होता, अपने ओपिनियन से कह रहा हूं, सच में ब्लॉक हुआ होता, बैन हुआ होता, तो अभी तक न्यूज में भाई ये चीज हवा तूफान की तरह फैल जाती, बट सिर्फ फ्री फायर है क्यों, बाकी एप्स क्यों नहीं? तो यहां पे एयरटेल अगर हम कस्टमर सर्विस में कह रहे हो ऐसा कहता है गवर्नमेंट ने काफी सारे एप्स को ब्लॉक किया है, तो ये कितना सच कितना नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, बट यार काफी कंफ्यूजिंग चीज है ये। सोचने वाली बात ये है कि हमारा प्ले स्टोर वापस कब तक आता है, एक या दो दिन के अंदर आ जाएगा। बहुत बार रूमर ये भी फैला है कि क्रैफ्टन वैसे जो गरेना का वो केस चल रहा था उसमें क्रैफ्टन जीत गई है, इसलिए यहां से फ्री फायर को रिमूव किया जा रहा है। ड्यूड अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं इस बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे गूगल में भी कहीं भी ये चीज़ नहीं बताया गया है। गूगल ने बताया जाता ना भाई, क्योंकि गूगल से ही तो हमको आर्टिकल्स मिले थे क्रैफ्टन से गरेना का हो रहा है, और गूगल पे ये चीज़ कभी क्लियर की नहीं गई, क्योंकि गूगल यहाँ पे सर्वर एरर बता रहा है, ग्लिच बता रहा है, प्लस उन्होंने मॉडरेटर से बात की तो बोल रहे भाई कुछ भी ऐसा कोई भी सीन नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे एक और क्रैफ्टन का एक पेटिशन अकाउंट ये बताया कि यूट्यूब जितने भी फ्री फायर के वीडियो सबको रिमूव करना पड़ेगा यूट्यूब को, क्योंकि क्रैफ्टन ने यूट्यूब को बीच में घसीटा था, तो उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब में जितने फ्री फायर की वीडियो वो भी कल तक रिमूव हो जाएगी। तो कल तक वेट करते हैं। अगर फ्री फायर को ये सब चीजें बचना है तो फ्री फायर को गरेना को क्रैफ्टन को 4,000 करोड़ का एक पेटिशन पे करना पड़ेगा, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। बट ये मेरे को कहीं से सच्चाई नहीं लग रही, क्योंकि कोई भी आर्टिकल ने इस चीज को अभी तक क्लियर नहीं किया है, क्योंकि सुबह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी तो आर्टिकल की भाई हवा तूफान बारिश लग जाती है। अपन लोग अभी वेट करने से कुछ और नहीं कर सकते, कल सुबह तक वेट करते हैं, कल सुबह तक गेम का जो ग्लिच है नेटवर्क एरर हो रहा है बार बार वो भी शायद सॉल्व हो जाएगा, शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है गेम का, इसलिए ऐसा
ऐसा हो गया होगा। और बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, पेटीएम के साथ हुआ था कुछ समय पहले, पेटीएम भी रिमूव हो गया था प्ले स्टोर से बाद में, लेकिन वापस आ गया ना। ऐसे ही सेम चीज गरीना फ्री फायर के साथ भी हुई होगी। अब अपने को नहीं पता अपन क्या बोल सकते हैं, अपन के पास इंटरनल टीम मॉडरेटर अपने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई गिलीच है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इससे आ रहा मैं आपको कैसा दिलासा दिलाऊं, मेरे को नहीं पता। अगर आप लोग सोच रहे हो कि फ्री फायर बैन हो गया तो आई डोंट ऐसा कुछ हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ तो भाई आर्टिकल्स की लाइन लग जाती है, न्यूज फैल जाती है, फ्री फायर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, तो भाई सब न्यूज चैनल पर यही चीज आती है। तो हमने कोई भी ऐसा देखा नहीं। और आपको बता दूं कि मेरा जो गेम है वो पूरी तरह से एकदम क्लियरली सही चल रहा है, फ्री फायर मैक्स का फ्री फायर को पीसी मोबाइल सब में बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं भी नेटवर्क एरर नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ग्लिच हो, क्योंकि अगर ये ब्लॉक होता तो भाई अब तक ब्लॉक हो जाता ना, रात तक कैसे खेलते हैं मैं। आगे कल सुबह तक हमको पता चल जाएगा। बाहर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर होता है सब्सक्राइब करके बाद जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर से सेट कर देना। हमारे चैनल पर फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।